तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास बर्जर का डिस्टेंपर है, ये 20 लीटर का है जो कि ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया है और नया जो है वो 10 लीटर का लाया हूँ। इसे भी जो है वो ये हमारा स्टेनर है, ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेनर है, फास्ट येलो कलर का है और इसकी कीमत जो है मुझे लगभग 65 रुपये देने पड़े, वैसे तो 69 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, 65 रुपया देना पड़ा मुझे इसके। जो हमारा डिस्टेंपर रहता है उसका कलर वाइट रहता है, ठीक है, इसमें कोई भी कलर नहीं रहता है, जो कलर डालिएगा। पहले भी और भी हमारे पास स्टेनर है, जैसे कि ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये वायलेट हो गया, इसका भी यूज हम बॉर्डर मारने के लिए कर रहे हैं। बॉर्डर के लिए स्पेशल भी हमने कुछ जुगाड़ लाया हुआ, आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, अभी हम बनाने जा रहे हैं फास्ट येलो, ठीक है, तो प्रोसेस आप ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से फास्ट येलो बनाया जाता है। और हमने अपने दीवार में कुछ दीवार में जो है वो इसे कर चुके हैं हम, तो अब हमें इतना सटीकता से करना होगा कि ये जो कलर है बिल्कुल यही कलर हमें बनाना है, नाइस से डीम, नाइस से लाइट, नाइस से फास्ट, बस यही कलर मुझे चाहिए ताकि हमारा जो दीवार है वो अच्छा लगे, क्योंकि हर दीवार में जो है वो थोड़ा थोड़ा अंतर होते जाएगा तो फिर घर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर कोई भी एक साथ देखता है वो फर्क पता कर लेता है कि ये बाद में पेंट हुआ है, ये पहली बार। हमें इतना सटीकता से करना है कि घर बिल्कुल लगे कि एक साथ एक ही बार पेंट बना करके किया गया है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस कलर को बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें से हम सैंपल जो है वो अलग निकाल लेंगे। ये सैंपल हमारा हो गया, इसी कलर पर जो है वो हम फोकस करेंगे, ये हम एक जगह रख देते हैं। करना क्या है, ये तो हमारा घट चुका है, इससे तो हमारा घर पेंट होगा नहीं, जो डिस्टेंपर है हमारा इसे इसमें डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पीला कलर लग रहा है लेकिन एक दो बार निकालूंगा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक जो है वो साफ हो जाएगा। लगभग हमें जो है वो इसमें ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से चला लीजिए। ध्यान रहे जब तक आपके हाथ में कलर लगा रहे तब तक जो है वो ऊपर से ही निकालना है, ताकि कलर ऊपर मेरे ही देख सकते हैं, मेरे हाथ में का कलर जो है वो अब खत्म हो चुका है, गिर रहा है दोस्त इस तरह से कुछ। ये देखिए, ये हमारा कलर जो है वो, ये इससे मैं लगभग जो है वो 10 लीटर 12 लीटर कलर इससे बनाऊंगा। तो पहला स्टेप चलते हैं, कुछ डिस्टेंपर गिर गया है दोस्त, काफ़ी महंगा डिस्टेंपर है, टाइम दीजिए। हाँ, हो गया। सबसे पहले इसको मिला लेना अच्छे तरीके से, मिला लेना कहने का मतलब ये जो डिस्टेंपर गाढ़ा है इसको जो है वो इसमें मिला लेना है, इसी कलर में। आपको याद होगा कि हमने जो है वो इसका एक सैंपल निकाल के रखा है, मैं मिलाता हूँ तब तक वीडियो कट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो दोस्तों, इसको लगभग 1 से 2 मिनट हमने जो है वो इसे मिलाया था, आपका समय बच जाए इसलिए वीडियो कट किया था। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें पानी मिलाएंगे तो सही तरीके से मिल पाएगा। तो पहले स्टेनर आपको नहीं मिलाना है, सबसे पहले पानी मिलाना है। ये पानी हमने लिया और इसमें अंदाजे से, ये देखिए, हमने आपको बोला ही था कि लगभग जो है वो इसमें 10 लीटर 12 लीटर में डिस्टेंपर बनाऊंगा और उतना काफ़ी होता है। चलिए, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मैं थोड़ा देर के लिए बस वीडियो कट कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी भी हमारा जो डिस्टेंपर है वो दीवार में लगाने लायक नहीं हुआ है, चूँकि ये गाढ़ा है, इसको अगर दीवार में लगाते हैं हमारा ब्रश ही नहीं चलेगा और हमारा ज़्यादा डिस्टेंपर का खपत होगा और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है, पपड़ी वगैरह जमाने से कोई तो फ़ायदा है नहीं। तो इसे फिर से मिलाना है, ऊपर से दिखाइए दर्शकों को, ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा, और अच्छे तरीके से मिलाना, मिलाने में कोई भी कंजूसी दोस्त नहीं करना है। ये देखिए, ये अभी भी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, चलिए और थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो दोस्तों, 2 से 3 बार पानी मिलाना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, आप धीरे धीरे पानी मिलाइए अपने अकॉर्डिंग। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं, एक बार पानी मिला लीजिएगा
लूज हो जाएगा, तो आप जो सोच रहे थे जितना डिस्टेंपर मिलाने के लिए उतना नहीं बन पाएगा, इसीलिए धीरे धीरे पानी मिलाए, अपना काम है आराम से कीजिए। और ये हमारा जो है वो थिकनेस हो गया है, इस तरह से हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है वो अब दीवार पे इसको लगाया जा सकता है। ये जब कंप्लीट हो जाए तब काम आता है स्टेनर का, ये हमारा यूनिवर्सल स्टेनर है, जैसे कि वीडियो को शुरू में बताया था। लगभग ये हमारा 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर में पूरे स्टेनर को मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा बचा लेता हूँ मैं, मुझे अंदाज़ा है कि ये पूरा जो है मैं डालूँगा तो ये कलर आ जाएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और ये जो हमारा यहाँ देखिए सैंपल है, बिल्कुल उससे मैच करना चाहिए, जब तक उससे मैच नहीं करेगा तब तक हम इसमें स्टेनर मिलाते जाएंगे, चाहे जितना स्टेनर लग जाए। अगर ये ख़त्म हो जाता है और डब्बा चाहिए और भी डब्बा डालेंगे, लेकिन हमारा वो आना चाहिए। इतना मेहनत मैं इसी के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो सैंपल है और जो मैं स्टेनर बना रहा हूँ डिस्टेंपर में डाल करके, वो हमारा सही तरीके से, अभी भी जो है वो थोड़ा सा ये डीम है, ठीक है, ये डीम है थोड़ा सा। मैं जिस तरह से शुरू में बताया था, ये मक्खी गिर गया, हटा देते इसको, इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा डालना है। शुरू में तो मैं फ्री हिट था मेरे लिए, पूरा डाल दिया, वाइट डिस्टेंपर था हमारा, लेकिन अब धीरे धीरे डालना है, चूँकि अब हल्का सा भी डालिएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा डालते हैं, फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चूँकि अब ये लगभग लगभग जो तैयार हो गया है। अगर आप करते करते इतना सीख जाइएगा तो आप इस बाल्टी में जो पहले से जो कलर लगे रहेंगे उसको देख करके भी आप समझ जाएंगे कि और इसमें कितना मिलाना है, लेकिन अभी मैं आपको सैंपल से ही बताऊंगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि मन लगा रहे और पैसे की बचत भी हो। अभी भी थोड़ा सा डीम है, दोस्तों मैंने पूरा स्टेनर जो इसमें डाल दिया है, इसमें पानी डाल के भी अच्छे तरीके से मिला करके डाल दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो है कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से सैंपल उठाइए और यहाँ पे रखिए, दोनों को आपको मैच करना है। ये दोनों मैच कर गया मतलब आपका, ये देखिए, ये आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन किसका है। मैच हो गया, डन है, हमारा जो है वो डिस्टेंपर रेडी है। थिकनेस की अगर बात करी जाए, देख सकते हैं ये दीवार पे मारने के लिए बिल्कुल जो है वो आइडल है, देख सकते हैं, ना गाढ़ा है ना पतला है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।